हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंपलीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज को कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वन शॉट वीडियो में कवर करा दिया है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलेगा। अगर बात कीजिए बच्चों आपके इस लेसन की, तो ये जो लेसन है वो शॉर्ट एंड सिंपल है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है जो डायरेक्टली आपसे एग्जामिनर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पूरा वॉच कीजिएगा, अच्छे से आपको ये लेसन समझ आएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों ये तो जानते हैं कि जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस माना जाता है, यानी कि इसका हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। पृथ्वी को देखिएगा, अर्थ को, इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। रीजन हर कोई जानता ही होगा कि ऑलमोस्ट थर्ड फोर, यानी कि हमारा 75% जो हमारा अर्थ का सरफेस है ना, वो वाटर से कवर्ड है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है बच्चों, जो फ्रेश वाटर है ना, वो बहुत ही बहुत ही बहुत कम है। आप ये मान लीजिएगा 2-3% ही हमारे पास फ्रेश वाटर, पीने योग्य पानी अवेलेबल है। तो जो रेस्ट है बच्चों, वो ओशियन वाटर कहा जाता है, जो कि सॉल्टी होता है, यानी हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। दिस फ्रेश वाटर अगर हम बात करें तो इसे हम मेनली ऑब्टेन कहां से करते हैं, सरफेस रन ऑफ एंड जो ग्राउंड वाटर होता है वहां से, और ये कॉन्टिन्यूसली रिन्यू एंड रिचार्ज किए जाते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। आप इस डायग्राम को देखिएगा, आपको अच्छे से वैसे भी समझ आ जाएगा, प्रीवियस क्लास में भी आपने वाटर साइकिलिंग के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो ये तो होगी बच्चों वाटर के बारे में। कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको जो क्वेश्चन आंसर होता है उसमें हेल्प करेंगे इस लेसन से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया था, 96% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज अ ओशियन, यानी कि बच्चों 96% जो वाटर अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में वो ओशियन है, और सिर्फ जो फ्रेश वाटर है पीने वाला वो 2.5% है। तो आप देख लीजिएगा कितना ज्यादा अनइक्वल है ये दोनों चीजें, है ना। इसके अलावा बच्चों अगर हम अपने खुद देश की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में जो रेनफॉल है ना, तो उसका सिर्फ हम 4% रिसीव करते हैं। 4% कितना ज्यादा कम है, क्योंकि हमारे देश में बच्चों पूरे 12 मंथ बारिश नहीं होती, सिर्फ मानसून के सीजन में ही होती है, वो भी मिड टाइम में, आप कह लीजिएगा 3-4 महीने जून टू सितंबर के आसपास, है ना। इसी वजह से बच्चों हमारी जो वाटर की लिस्ट में जो ग्लोबल रैंक है ना, वो 133 है, जिसके अंदर हम पर पर्सन पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत ज्यादा हम पीछे है। वैसे वर्ल्ड में 190+ ही कंट्री है, उसमें हम बहुत ज्यादा पीछे। सो ऐसा बच्चों प्रेडिक्ट किया जाता है 2025 तक कि इंडिया भी ना उन कंट्री को ज्वाइन कर लेगा जहां पे वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, पानी की कमी की। तो ये हमारे लिए बच्चों एक कह सकते हो कि एक चिंता का विषय, इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। नाउ क्वेश्चन इज कि ये जो वाटर स्कैर्सिटी है आखिरकार ये क्यों हो रही है, क्या इसके मेन कॉजेज है, और साथ ही इनके मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए हमें किन चीजों की नीड्स है, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं वाटर स्कैर्सिटी की, पानी की कमी को लेकर। द लैक सफिशिएंट वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड इन अ रीजन इज नोन एज अ वाटर स्कैर्सिटी। एग्जाम्पल के थ्रू दो रीजन को हम लेते हैं, एक वो रीजन जहां पे जो वाटर है ना वो सफिशियंट है, यानी कि लोग अच्छे से यूज कर पा रहे, सेकेंड रीजन जहां पर जो वाटर है वो इनसफिशियंट है, यानी कि लोगों को मिल नहीं पा रहा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भैया सेकेंड वाले रीजन में जो वाटर है उसकी स्कैर्सिटी हमें देखने को मिल रही है, और ऐसा हमारे इंडिया के अंदर से बहुत से स्टेट है जहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज है कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ, जैसे राजस्थान। अब राजस्थान में एक जगह है जो कि डेजर्ट है, थार डेजर्ट। अब वहाँ पर बच्चों क्या है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, दूर दूर तक चलना पड़ता है, सूखा सूखा सा जगह जगह देखने को मिलता है। लेकिन जब मैं दूसरी साइड बात करता हूँ बिग सिटीज़ के बारे में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर आपको वाटर की कमी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी कंपेरिजन के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इनके क्या क्या कॉजेज हैं, देखिए सबसे पहले ओवर इरिगेशन। अब ओवर देखिए इरिगेशन बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि भैया कल्टीवेशन करना है, खेती करनी है, तो पानी की तो आवश्यकता पड़ेगी,
लेकिन जब चीजें ओवर हो जाती है तो फिर वो नुकसान हो जाती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ओवर इरिगेशन करने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वाटर स्कैसिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और साथ ही बच्चों, जैसे अभी हमने फर्स्ट एंड सेकेंड रीजन के एग्जाम्पल से समझा था कि एक्सेसिव यूज यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज और अनइक्वल एक्सेस यानी कि वो रीजन जहां पे एक तरीके से इक्वल तरीके से जो वाटर है उन्हें नहीं मिल पा रहा, इसकी वजह से भी जो सोशल ग्रुप है उसमें हमें डिफरेंशियल देखने को मिल जाता है। ये भी एक कारण हमें देखने को मिलता है, यानी जिनके पास पानी अवेलेबल है उनको उन चीज की ज्यादा कदर नहीं हो पाती और जिनके पास नहीं है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा बच्चों, लार्ज पॉपुलेशन, ये तो हर बीमारी की एक जड़ माना जाता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा उनकी डिमांड होगी, फिर उनके लिए जो वाटर है वो भी उतनी ही जो क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए, कंजप्शन भी तो जरूरी है। तो ये सारी चीजें बच्चों आप कह सकते हो कि कुछ कॉजेज है जो कि वाटर स्कैसिटी को फेस करने पड़ रहे हैं, मतलब लोगों को अलग अलग तरीके से। तो इनके मैनेजमेंट के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप उठाए गए, तो वो उठाए गए सबसे इंपॉर्टेंट, तो हम पहले बात करते हैं डैम्स के बारे में। आपने जरूर पढ़ा होगा डैम्स के बारे में। अब डैम्स का जो काम होता है वो क्या होता है, जिसे हम बांध कहते हैं। देखिए, हमेशा जो डैम्स होते हैं वो रिवर के पास बनाए जाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, जो वाटर का फ्लो है या तो ये उसे स्लो कर देते हैं या फिर उन्हें रोक देते हैं। और क्रिएट क्या क्या करते हैं, जैसे कि रिजर्वियर, लेक हो गया, इंपाउंडमेंट, ये सारी चीजों को ये क्रिएट करते हैं ताकि इनका जो यूजेस है वो डिफरेंट चीज में किया जा सके। सो इसीलिए बच्चों इंडिया के अंदर स्पेशली मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट भी बनाए गए थे, जिनका फायदा भी हुआ था लेकिन नुकसान भी हुआ था। हम दोनों चीजों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट आखिरकार होते तो होते क्या। देखिए, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट लार्ज डैम्स that serve several purpose in addition in impounding the water of river and used later to irrigate agricultural fields। ये जो मल्टीपर्पज रिवर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब डैम्स बनाए जाते हैं तो बड़े बड़े बनाए जाते हैं। इससे होता क्या है कि एक तो जो वाटर का फ्लो होता है वो रुक जाता है और एक जगह वो कलेक्ट हो जाता है। ये जो वाटर होता है एक तरीके से काम आता है किसके, इरिगेशन के लिए, यानी कि जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है, जो खेती वाली जगह होती है, उसमें पानी की जो मात्रा होती है वो तो पूरी करनी पड़ेगी, जो कि इनकी वजह से पूरी हो पाती है, यानी कि डबल डबल बेनिफिट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दो बेसिन की बात करें, जैसे सतलुज बीस रिवर बेसिन, यहाँ पर भी हमें ऐसा देखने को मिलता है, इसी तरह भागरा नागल जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर भी। अगर हम बात करें इन मल्टीपर्पज रिवर के जो प्रोजेक्ट हैं उनके क्या क्या एडवांटेज है, तो सिर्फ एक एडवांटेज नहीं है, ज्यादा है। जैसे इरिगेशन के तो काम आता है, जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट होती है इससे, साथ ही जो बाढ़ आती है उसे कंट्रोल करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके अलावा फिश ब्रीडिंग के लिए, इनलैंड नेविगेशन के लिए और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए ये जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है वो काफी हेल्पफुल माने जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना वो रिवर के पास जरूर स्टैब्लिश हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये एडवांटेज हो गए, लेकिन वही बात है कि सिक्के के दो पहलू, तो दोनों तरफा हमें समझना पड़ेगा। तो अभी हमने एडवांटेज पढ़ा, अब इसके हम डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें बच्चों मल्टीपर्पज रिवर के डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहला है कि इट अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर, कॉजिंग पुअर सेंडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेंडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वे। यानी कि इसमें यह होता है कि जो आप देखते हो ना रिवर के नीचे कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि कट होने की वजह से वो भी फ्लो में बह जाती है, तो इसकी वजह से हमें एक ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। और साथ ही इट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ, उनके लिए भी ये ठीक नहीं माना जाता। जो वेजिटेशन और सोइल है उसमें ये क्या करते हैं, फूड प्लांट्स के अंदर सबमर्ज कर देते हैं उन्हें, यानी कि मिला देते, पानी में मिला देते वेजिटेशन एंड सोइल को। तो कहीं ना कहीं इनके ये डिसएडवांटेज में काउंट किया जाता है। इसके अलावा सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल पीपल होते हैं ना उन्हें अपनी जगह को छोड़ना पड़ता है इन डैम्स की वजह से, क्योंकि ये वहां पे बिल्डअप किए जाते हैं तो वो लैंड बिल्कुल खाली करवाया जाता है जहां पे लोकल पीपल वहां पे रह रहे होते हैं, क्योंकि भैया बात है डेवलपमेंट की तो भैया थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समटाइम क्या होता है, ये जो डैम्स होते हैं ना जो बाढ़ आती है उसे रोकने में नाकामयाब भी हो जाते हैं, यानी कि कामयाब ही होंगे, सक्सेसफुल ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जब ज्यादा आती है ना रेनफॉल बड़ी बड़ी,
तो ये कंट्रोल नहीं कर पाते। और इसकी वजह से बच्चों समटाइम ऐसा भी होता है कि ये कुछ चीज़ों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, यानी कि ये मेन रिस्पॉन्सिबल भी माने जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक में हो गया, इसके अलावा वाटर बोर्न डिजीजेज, पेस्ट एंड पॉल्यूशन, जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ किया जाता तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती है। तो आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही अच्छे से लर्न करके ज़रूर जाइएगा, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल भी अपना आंसर लिखने में प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इन्हीं को लेकर कुछ मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में आप समझ लीजिएगा। जैसे दीज प्रोजेक्ट कॉज ऑफ मेनी न्यू सोशल मूवमेंट लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन, नाम जरूर सुना होगा, टहरी डैम आंदोलन, तो ये कुछ हुए भी थे। और मेन तो आप ये लेके चलिएगा कि जो लार्ज स्केल के जो डिस्प्लेसमेंट थे ना कम्युनिटी के, उन्होंने इनके अगेंस्ट काफी आवाज उठाई थी। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जो स्टेट है ना उनमें वाटर को लेकर डिस्प्यूट भी हमें देखने को मिलता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आर आल्सो बिकमिंग अ कॉमन विद रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। पानी को लेकर तो भैया देशों में भी विवाद रहता है और देशों के अंदर राज्यों में भी रहता है। आपने केरल तमिलनाडु का किस्सा जरूर सुना होगा, आप जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कुछ अगेंस्ट में देखने को मिली है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में जरूर पढ़ा होगा, जो कि बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि जो इनके मेथड है ना थोड़े अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। तो एग्जामिनर आपसे 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में मेथड को पूछ सकता है, तो आप जरा अच्छे से इन्हें समझेगा। यही सारे पॉइंट आप अगर राइट डाउन कर दोगे तब भी आपके गुड मार्क्स जरूर आ जाएंगे। जैसे अगर बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो बड़े ही आसान शब्दों में जो वर्षा का पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसे हम कैसे भी करके बचाएं, तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड का यूज करते हैं, ताकि उस जो पानी का यूज हम डिफरेंट टाइप में कर सके। खासतौर पर जो हमारे किसान लोग होते हैं वो ज्यादातर इरिगेशन के लिए, यानी कि जो पानी होता है ना खेतों में, उसके लिए ज्यादा यूज करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स। जैसे इनके अगर मेथड की बात करें, इन मेथड में सबसे पहला आता है हिल और माउंटेन्स रीजन के अंदर लोग क्या करते हैं, उन्होंने गुल और कुल्स जो कि वेस्टर्न हिमालयस के अंदर देखने को मिलता है, उन्होंने एक डाइवर्जन चैनल बनाया है इन नाम से, जिससे क्या होता है कि वो जो पानी है ना बिल्कुल एक फ्लो होता है, सीधा एग्रीकल्चर में यूज हो जाता है। उसी तरह अगर हम राजस्थान के लोगों की बात करें, तो उन्होंने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज किया है, जिससे होता क्या है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है ना वो स्टोर होने लग जाता है। आप इस इमेज को देखोगे यहाँ से, ये जो है ना स्टोरेज टैंक, तो इसमें ये आराम से बिल्कुल कलेक्ट होता रहता है। साथ ही अगर हम बात करें फूड प्लेन्स ऑफ बंगाल एरिया की, जहाँ के जो मैदान होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ओवरफ्लो चैनल को एक तरीके से क्रिएट किया है, डेवलप किया है, ताकि वो उनकी फील्ड में इरिगेट का काम कर सके, सिंचाई का। साथ ही एरिड और सम एरिड रीजन के अंदर ये हुआ है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है ना वो एक तरीके से उन्होंने जमीन में ही गड्ढा खोद दिए, यानी कि जब बारिश आएगी तो गड्ढे में पानी जाएगा, तो पानी से क्या होगा जो सॉइल है ना वो एक तरीके की सॉफ्ट हो जाएगी, यानी नमी उसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगी, जो आगे चल के काफ़ी काम आएगी, हेल्पफुल होगी। और उसी तरह बच्चों राजस्थान के सेमी एरिड और एरिड रीजन के अंदर लोगों ने क्या किया कि ट्रेडिशनली तरीके से, अपने परंपरागत तरीक़ों से, उन्होंने अपने ही हाउसेस के अंदर अंडरग्राउंड टैंक्स को रखा है, जिसे टंकस के नाम से जाना जाता है, स्पेशली बीकानेर, फलोड़ी, बरमार, ऐसी जगहों पे खास तौर पे। तो ये कुछ मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आप इन्हें फ्लो चार्ट में अच्छे से समझना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे हमने पहले गुल्स और कुल्स जो कि वेस्टर्न हिमालय में, तो इन्होंने एक डाइवर्जन चैनल बनाया जिससे कि पानी फ्लो होगा, सीधा एग्रीकल्चर में यूज हो जाएगा। उसी तरह राजस्थान में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और राजस्थान में ही टंकास नाम से बीकानेर, फलोड़ी और बैनर के अंदर अंडरग्राउंड टैंक्स, और एक मेघालय भी जगह, यहाँ पर भी बैम्बू जो होते हैं ना लंबे से जो होते हैं, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी वहाँ पे अपनाया जाता है, वो भी काम आता है काफ़ी अच्छा इरिगेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़ी हुई है। सो
होप कि आपको ये जो लेसन के मेन कंटेंट थे लिमिटेड से अच्छे से समझ आ चुके होंगे। काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल सा लेसन था, ज़्यादा इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।